तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के अंदर आपको आईपीयू लीट के एडमिशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा करके डायरेक्ट बीटेक करना चाहते हैं, या अगर आप डिप्लोमा का फाइनल ईयर में बच्चे हो, या डिप्लोमा के पास आउट के बच्चे हो, अगर आप लीट के थ्रू बीटेक करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर आईपीयू यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वह चालू हो चुका है, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, कब तक अप्लाई करेंगे, फ़ी क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम कब लिया जाएगा, तो मैं सारा कुछ बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं हरियाणा लीट के बारे में भी बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। चलो स्टार्ट है वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आईपीयू ने है आज के दिन ही अपने वेबसाइट के ऊपर नोटिस पब्लिश किया है। जो भी बच्चे आईपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा करके, अगर आप कहीं से डिप्लोमा किए हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, दिल्ली के आउटसाइड के हैं, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, तो सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट है कि जो इनका अप्लाई करने का डेट है वह 15 जुलाई तक रखा गया है। तो सबसे पहले आप क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आपको 15 जुलाई तक, इसके अंदर 150 प्रोग्राम है, तो आप बीटेक लीट के लिए 15 जुलाई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। इनका ब्राउचर अभी अपलोड नहीं किया गया वेबसाइट पर, जैसे ही एक दो घंटा के अंदर ब्राउचर आता है फॉर्म फिल करने का, मैं ब्राउचर भी पढ़ के बताऊँगा आपको। फॉर्म कैसे फिल करना है मैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करके बताऊंगा। अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं, स्टूडेंट है, आईपी में एडमिशन लेने वाले हैं, स्टूडेंट है, तो नीचे आप एक बार अपना कमेंट कर देना, ठीक है। तो जो भी बच्चे इच्छुक है उन बच्चे के लिए बहुत अच्छा अवसर है इस बार आईपीयू के अंदर एडमिशन लेने का। और मैं बता दूँ कि 15 जुलाई तक लास्ट डेट है, आप 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। अभी ब्राउचर नहीं आया वेबसाइट के ऊपर, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अब सेकेंड पॉइंट दोस्तों, अब आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा वह अगस्त में लिया जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट वीक में एंट्रेंस एग्जाम होगा। जो इनके डायरेक्टर सर है कुलदीप महेश वर्मा सर जी है, उन्होंने बताया कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, उनका जो एडमिशन होगा बाय एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले आप 15 जुलाई से पहले पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना, अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो नीचे आप कमेंट करना। और फॉर्म फिल करने के कुछ दिन बाद, 10 या 15 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, उससे पहले आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो जो भी हरियाणा के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, अगर आईपीयू लीट का प्रिपेयर नहीं चालू किए हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी से ही आईपीयू लीट का प्रिपेयर चालू कर दें, आप स्टडी कंटिन्यू रखें, स्टडी रोकें मत, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। और थर्ड पॉइंट है, फॉर्म फिल करने का चार्जेस क्या रहेगा। 1000 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा फॉर्म फिल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि आउटसाइड स्टेट वाले के लिए कितना सीट है। तो 15% सीट ही आउटसाइड स्टेट वाले बच्चों के लिए, दिल्ली के लिए 85% सीट, और जो आउटसाइड स्टेट के बच्चे हैं उसके लिए 15% सीट इसके अंदर रखा गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपका 3-4 डाउट क्लियर हो पाया होगा। आपके अप्लाई करने का डेट 15 जुलाई है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड 10 दिन के बाद चले आएंगे, और पेपर लास्ट ऑफ जुलाई या स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में लिए जाएंगे। और आपके चार्जेस है फॉर्म फिल करने का 1000 रुपये। जैसे ही ब्राउचर आता है, मैं ब्राउचर भी आपको पढ़ के समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट बच्चे का नीचे आप कमेंट करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट हो नीचे आप कमेंट कर देना। सो थैंक यू।